हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमें बहुत सारा कमेंट आया है कि ये भैया मैं अपना इंस्टाग्राम चलाता हूं, इंस्टाग्राम का स्टार अब गिफ्ट सेटअप जैसे अनेबल करता हूं अकाउंट्स वगैरह डाल करके, तो यहां देखिए अकाउंट एलिजिबिलिटी एट रिक्स का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके आगे आप चेक करेंगे तो यहां देखिए यू आर एट रिक्स फ्रॉम बींग एबल टू मोनेटाइज विद सम टूल्स। यहां ब्रांडेड कंटेंट तो ग्रीन है लेकिन गिफ्ट्स के नीचे एट रिक्स का प्रॉब्लम आ गया है। इससे क्या होगा कि आपको कोई बंदा गिफ्ट्स भेजेगा लेकिन आपका अकाउंट लॉक रहेगा, आप मतलब कि ऑनलाइन इनकम नहीं कर पाएंगे। इसमें गिफ्ट्स के वजह से कोई भी बंदा आपको पैसा भेजता है, पेमेंट करता है तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसका क्या समस्या का समाधान है, चलिए हम वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और मैं आपको मतलब कि प्रोसीजर इसका बताता हूं कि आप इससे मतलब निजात पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको इंस्टाग्राम को खोल लेना है। मैंने यहां इंस्टाग्राम को खोल लिया हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले लोगों पर आपको क्लिक कर देना है। यहां मैंने फॉलोअर और पोस्ट मतलब फॉलोइंग वगैरह मैंने हाइड किया है, नेम भी हाइड किया है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बंदा अपने अकाउंट का प्रचार कर रहा है। यहां आपको थ्री लाइन पर ऊपर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, यहां आप देख सकते हैं आपको चले जाना है इसमें अकाउंट स्टेटस में। सबसे नीचे जाएंगे तो अकाउंट स्टेटस में जाएंगे तो यहां देखिए कि मतलब सब आपका सही है लेकिन मोनेटाइजेशन में मतलब लाल कर दिया है, इसमें आपको प्रॉब्लम है। मोनेटाइजेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए मोनेटाइजेशन स्टेटस बता रहा है कि गिफ्ट एट रिक्स। अब एक चीज आपको और चेक कर लेना है, इसका निजात कैसे पाना है। यहाँ देखिए गिफ्ट एट रिक्स मोनेटाइजेशन स्टेटस में बता रहा है। बाकी आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी सही है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी सही है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपको क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक गिफ्ट का ऑप्शन है ऊपर में। गिफ्ट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा सेक्शन है, आपको यहाँ मोनेटाइजेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ मोनेटाइजेशन स्टेटस पर भी वही दिखा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है, अब आपको एक बार गिफ्ट्स पे चेक कर लेना है। अलाउ गिफ्ट्स ऑन रील, आपका गिफ्ट्स अलाउ है लेकिन यहाँ पे अकाउंट एलिजिबिलिटी एट रिक्स है। तो इसका क्या मतलब कि कैसे हम समाधान करते हैं, यहां देखिए कि उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन आता है, मतलब अकाउंट एलिजिबिलिटी एट रिक्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी मतलब कि ऑप्शन खुलेगा नहीं। तो इसका क्या उपाय है आप जान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मतलब कुछ करना नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या आपको मैसेज करना होगा जिससे कि आपका सही हो जाएगा। आपने कुछ गलतियां की होगी, यदि आपका खुद का कंटेंट नहीं होगा, किसी का कॉपी पेस्ट किए होंगे तो कॉपी राइट आया होगा, इस वजह से यह प्रॉब्लम आ जाता है। और यदि कोई बंदा आपको कॉपीराइट कर दिया होगा तो भी यह प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसके बाद आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट गए होंगे, मतलब कि उसका उल्लंघन किए होंगे, जो उसका रूल है नियम है। जैसे कि मान लीजिए कि स्पैम स्कैम वाला वीडियो ना डाले, धोखाधड़ी वाला वीडियो ना डाले, गन हथियार वाला वीडियो ना डाले, इसके बाद रोग बीमारी में यह दवा खा ले, यह सब आपको नहीं डालना है। इसके बाद किसी नेता का प्रचार वगैरह आप इसमें नहीं कर सकते, मतलब कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना है और नहीं तो आपको गिफ्ट एट रिक्स अकाउंट एट रिक्स का प्रॉब्लम आएगा। अब इसका उपाय क्या है, पहला उपाय मैं आपको बताता हूं। यह सब आपकी गलती नहीं है, खुद का कंटेंट है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक बार इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। यदि मान लीजिए कोई ग्लिच या इंस्टाग्राम का कोई बग होगा तो वह खुद ब खुद सही हो जाएगा। और सब कुछ आपने कर लिया है, इसके बाद क्लियर कैच क्लियर डाटा कर लें, एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लें तो भी आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। और नहीं, सब कुछ करने के बाद नहीं सही होता है तो आप वेट करें, वीडियो अपलोड करते रहें, 90 डेज के बाद खुद पे खुद हट जाएगा, जितना भी पेमेंट आएगा वो होल्ड में रहेगा। जैसे आपका गिफ्ट एट रिक्स का प्रॉब्लम ग्रीन होता है, हट जाता है, आपके अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई टेंशन कोई चिंता की बात नहीं है। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम खोल लेना, ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में सबसे नीचे चले आना है, यहाँ एक हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, हेल्प के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है, अकाउंट स्टेटस। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपना खुद का भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो जो मेटा के कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है वह AI सिस्टम एल्गोरिथम पे चलता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है वह, मतलब कि कॉपीराइट टूल मतलब कि कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि आपका खुद का कंटेंट है या दूसरे का कुछ भी मिलता जुलता है तो वह कॉपीराइट क्लेम में चला जाता है। तो यह एक प्रकार का बग और ग्लीच होता है, आप अपडेट कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ हेल्प सेंटर है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, हेल्प है, आपको एक बार रिपोर्ट कर देना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना करेंगे, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर में आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, रिपोर्ट अब्यूज स्पैम शुड नॉट बी सबमिटेड, मतलब गंदा व्यवहार वाला शब्द यहाँ सबमिट नहीं होगा, इसलिए स्वच्छ और सुंदर शब्दों का ही वर्तनी आप यहाँ अपना, इंक्लूड एंड कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पहले से जो मतलब कि स्क्रीनशॉट अपलोड होगा उसको आपको हटा लेना है, और अपलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी गैलरी खुल जाएगी, गैलरी से आपको दो स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक अकाउंट एलिजिबिलिटी एट रिस्क का और दूसरा गिफ्ट्स एट रिस्क का, दोनों स्क्रीनशॉट यहां इंपोर्ट कर लेना है। दोनों स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करने के बाद यहां वेरीफाई एग्जांपल व्हाट हैपेंड व्हाट नॉट वर्किंग, इस पर आपको मतलब कि डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, अपने बारे में बताना है कि क्या समस्या है। तो आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद पे लिख लेंगे, और नहीं तो मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, नोटबुक में पहले से आप हिंदी को लिख लेंगे, इसके बाद गूगल ट्रांसलेट में चले आएंगे, गूगल ट्रांसलेट में क्लिक करके यहाँ इंटरटेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इंटरटेक्स्ट पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ आप अपना पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, प्यारे आदरणीय मेटा टीम, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट DK Techno 52, जिसमें मैंने गिफ्ट अनेबल सेटअप कर लिया है, गिफ्ट सेटअप करने के एक दो दिन बाद गिफ्ट एट रिस्क का प्रॉब्लम आ गया है, जबकि मैं खुद का कंटेंट अपलोड करता हूं, प्लीज मेरे अकाउंट को रिव्यू करें और मेरे समस्या का समाधान करें। इतना यहां पेस्ट कर दिए हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको देखिए ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश हो गया है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहां कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेंगे, देन आपको क्या करना है, यहां आपको लॉन्ग प्रेस करना है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आएगा, और क्लिपबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां आपका पेस्ट हो जाएगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर रिस्पेक्टेड मेटा टीम, माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज DK Techno 52, इन विच आई हैव सेट अप द गिफ्ट्स 1 or 2 days आफ्टर सेटिंग अप द गिफ्ट, द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट एट रिस्क हैज कम व्हाइल आई अपलोडेड माय वन ऑनर कंटेंटेड, प्लीज रिव्यू माय अकाउंट एंड सॉल्व माय प्रॉब्लम, मतलब इतना आपको लिख लेना है, यही सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है, आपका क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो जो आपका अकाउंट नेम है उसको हटा के बाकी सब कुछ आप ऐसे ही लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको क्या होगा कि मतलब कि सेंड कर देना है। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि कुछ ग्लीच और बग के वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप मतलब मेटा कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे तो आपके चैनल को रिव्यू करेगा, और अकाउंट को रिव्यू करने के बाद सही पाया जाता है तो आपका सही हो जाएगा, 90 दिन का वेट आपको नहीं करना होगा, देन आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे फिर से वहीं जहां मतलब हेल्प के सेक्शन में आ जाएगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे, आपको घबराना नहीं है, आपका चला गया है। देखिए मैं प्रूफ दिखाता हूं, देखिए एक मैसेज आया इंस्टाग्राम के तरफ से 2/22 में कि इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड, मतलब आपका रिपोर्ट चला गया है। तो आई होप कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से मैं मतलब नया नया वीडियो लेकर के आता रहता हूं। यदि आपका गिफ्ट एट रिस्क का प्रॉब्लम है तो आप घबराएं नहीं, आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालते रहें, और एक आध बार मतलब कि लाइव भी वीडियो इसमें बना दें, इसके बाद अपना खुद का कंटेंट डालें, खुद का वॉइस ओवर करें, यह प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और आ भी गया है तो घबराएं नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।